बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं गीता चौबे। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है दो गौरैया। इस कहानी को लिखा है भीष्म साहनी ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से। तो सुनिए ये कहानी दो गौरैया। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। परंतु पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। पिताजी कहते हैं कि जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे कि हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह के गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी के पीछे बैठना पसंद है, शायद उसे गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, मन नहीं आया तो बाहर से फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। सांस पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कब्रों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटर गू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर भी बस नहीं है, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चीटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है भी या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जाकर बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गईं। पर दो दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा दिया है, सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो उन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया, वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी इसे निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग से कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से बाहें झुलाते हुए फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते और कभी श करते। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी। माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया,
इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगी। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत ही पसंद आ रहा हो। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इस बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला रखो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रखा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई, गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर जा बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई दी। माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठे हंसी जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह पाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गईं, पर थोड़ी ही देर बाद वह फिर कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थीं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए हैं, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं, पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी छुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहते, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला ही नोचकर निकाल देंगे और फौरन ही वह बाहर से एक स्टूल उठा लाए।
घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनके पर जमाया और दाई ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फड़फड़ाते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थीं। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थीं, कुछ कुछ काली पड़ गई थीं। अब वे चहक भी नहीं रही थीं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इसमें घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या, क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। ची 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 ची, फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थीं और ची ची किए जा रही थीं। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थीं और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थीं। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा, पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। बच्चों, ये थी कहानी दो गौरैया। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका कोंपल से। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां।